हेलो दोस्तों, ये है आदिवासी हर्बल ऑयल, जो कि ये सब दावा करते हैं कि इसे लगाने के बाद ना तो बाल टूटेंगे और ना ही तो झड़ेंगे, और जो बाल झड़ चुके हैं वो दोबारा आ भी जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है। इस तेल को मुझे 1 महीने हो गए मंगाए हुए और मैंने लगा कर भी देखा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और बल्कि जो मेरा बाल है और ज़ोरों से झड़ना स्टार्ट हो गया था। फिर मैं इसे छोड़ दिया। अभी फ़िलहाल मेरा जो बाल है वो ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा नहीं झड़ रहा है जितना ज़्यादा इसे लगाने के बाद झड़ रहा था भाई। तो ये सब दावा करते हैं कि बाल आ जाएंगे, बाल नहीं झड़ेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। और ये मैंने डुप्लीकेट नहीं, लोकल सॉरी ओरिजिनल मंगा रखा है, और मैं वे ओरिजिनल वेबसाइट से मंगा रखा हूँ, क्योंकि मैं सारी वेबसाइटों को चेक किया, चेक करने के बाद ही मैंने इसे मंगाया। ये जो ऑयल है मुझे 1000 रुपये के पड़ गए थे, जो कि मेरा 1000 रुपया डूब गया, किसी काम का नहीं, क्योंकि जब ये मुझे फ़ायदा ही नहीं किया तो भाई मेरा पैसा किस काम का। देख लो जैसे यहाँ पर इन्होंने प्रिंट कर रखा था कि गंजेपन से बाल आ जाएंगे। तो मेरा उद्देश्य ये है भाई, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप इन सब चक्करों में ना पड़े, ना किसी वैक्सीन के चक्कर में, ना ये ऑयल के चक्कर में। ठीक है, झड़ रहा है झड़ने दो, अगर आपके पास पैसे हैं तो ट्रांसप्लांटिंग करवा लीजिए, वरना कुछ मत करवाइए, वैसे झड़ने दीजिए। आजकल ये नॉर्मल हो गया है, तो आपकी शादी विवाह हो जाएगा अगर आप गंजे रहेंगे तब भी। तो आप टेंशन ना लीजिए और इस हर्बल ऑयल के चक्कर में ना पड़िए। हर्बल क्या, किसी भी ऑयल के चक्कर में ना पड़िए, ना किसी दवाइयों के चक्कर में पड़िए, क्योंकि मैंने बहुत सारी दवाइयाँ यूज कर चुकी है और बहुत सारे तेल लगा चुके हैं, और मेरे नहीं, मेरे दोस्त को भी ऐसे इसी प्रकार की समस्या है, जिसका बाल झड़ रहा है, उसने भी कई सारे दवाइयों और वैक्सीनों का यूज कर चुका है। तो मेरा उद्देश्य यह है कि आप इन सब चक्करों में ना पड़े, झड़ रहे हैं झड़ने दीजिए, एक समय आएगा वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो यहीं अपनी वाणी को मैं समाप्त करता हूँ। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।